तो जनाब सीजन सात के अंदर हमारे पास होंगी चार टीम्स और उसमें कुछ कंटेस्टेंट बड़े मज़े के हैं और कुछ कंटेस्टेंट जा चुके हैं। तो जनाब थोड़ी सी ही थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा कि नए चेहरे, प्यारे प्यारे शहजादे शहजादियाँ, नए चेहरे पुराने चेहरे वो कौन कौन से होंगे जनाब। तो आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले द वन एंड ओनली रबीका खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सीज़न सात का आगाज़ हुआ है और सीज़न सिक्स में आप मौजूद नहीं थी। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आया करते थे कि भाई वेयर इज़ रबीका, वेयर इज़ हुसैन, वेयर इज़ फला, वेयर इज़ फला। तो ये बताएं कि आज आप आई हैं तो क्या सोच कर आई हैं, क्या स्ट्रेटजीज बना कर आई हैं, क्या प्लानिंग कर कर आई हैं कि सबको पिछाड़ना है, सीज़न सात अपने नाम करना है, ज़रा बताएँ। ऐसा मैं कुछ भी सोच के नहीं आई, वैसे भी इंजॉयमेंट के लिए आई और पहला दिन देखते कि क्या क्या होता है क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया ना। okay. तो पहला दिन देखेंगे फिर सोचेंगे। अच्छा, ठीक है। आप बहुत अरसे के बाद दोबारा शो का हिस्सा बनी है, कैसा फील कर रही हैं बताइए? बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे पहले मैं कभी आई ही नहीं। मजाक जैसे लगता है मेरी। रबीका थैंक यू सो मच। तो जनाब हमारे पास अभी वक्त बहुत कम है, आई थिंक चार मिनट के बाद हमारा शो इन होगा। हुसैन भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत अरसे बाद आप दोबारा आए, जितनी भी ऑडियंस है उनके लिए कोई आपका मैसेज? आई लव यू ऑल। और उसके अलावा कीप सपोर्टिंग। कोई तैयारी कर कर आएँ कि इस सीज़न में मुझे ऐसा परफॉर्म करना है, ये करना है, वो करना है? इंशाल्लाह सबको दिखेगा ना मैं क्या तैयारी करके आया हूँ। अभी तो मैं खुद तैयार तो हो जाऊँ पहले। ओके, तो जनाब मुझे लग रहा है कि इस बार हुसैन जो है दूसरी टीम्स को उठाकर फेंक देंगे। और इस वक्त हमारे साथ जनाब यहाँ पर शताज खान मौजूद हैं। शताज से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शताज। इस बार सीज़न सिक्स का टाइटल भी लेकर चली गई हैं, आपकी टीम का मेंबर लारेब रॉकी भी बना। अब सीज़न सात के अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसी तैयारियां हैं, क्या स्ट्रेटजीज बनाई है आपने, क्या प्लानिंग बनाई है, ज़रा इस बारे में बताएं। पहला दिन होने थे, देखने थे कि क्या हो रहा है सीज़न में, क्या क्या चेंजेस आई हैं, कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना, गेम्स के हिसाब से फिर कोई स्ट्रेटजी बनेगी, कोई हम टीम में जो है मिलके कोई बात करेंगे कि ऐसे खेलना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। तो आज का दिन देखेंगे फिर इंशाल्लाह करते हैं। ओके जनाब थैंक यू सो मच शताज खान। तो जनाब अभी तीन कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद थे, शताज, हुसैन और रबीका, इन तीनों से तो हमने आपकी बात करवा दी। बाकी के जो कंटेस्टेंट हैं वो चले गए हैं सेट पर। वेल जनाब आज आती के साथ ही टिकटॉकर्स ने मैदान मार लिया और टिकटॉकर्स से पहले बात करेंगे क्योंकि ये वो कंटेस्टेंट थे जो इस सीज़न में हमारे साथ मौजूद होंगे, नेक्स्ट सीज़न में भी होंगे, पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। आज आप लोग काफ़ी अर्से के बाद आए, आप लोगों ने यहाँ के सारी टीम्स को हरा दिया, ऑडियंस भी यहाँ पर मौजूद थी, आज का पहला मैच भी आप लोग जीत गए, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ज़रा वन बाय वन करके बताइए। ऑडियंस की वजह से ही हुआ है, जो बच्चा आ रहा था वो बहुत अच्छा खेल रहा था और हमने भी बहुत इन्जॉय किया, सब कुछ डिफरेंट था बट लक में साथ दिया और हम जीत गए। जी हुसैन, ऑडियंस की वजह से ही हुआ है, जो जो लोग आते रहते हैं और वो अच्छा खेलेंगे तभी हम जीतेंगे, हम तो अपनी एफर्ट्स करते रहते हैं और इस तरह मत देखें और ये कि इंशाल्लाह जीतते रहेंगे। इसको छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे शो में मैं कैसे आ सकता हूँ, हम लोग कैसे आ सकते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे कैसे आ सकते हैं, ये बताइए। आप छोड़ें गेम शो को, अपने गेम शो का बताइए। नहीं नहीं, कभी नहीं छोड़ सकते गेम शो को, नो नेवर। बट ये कि अगर आप मेरे गेम शो में कंटेस्टेंट नहीं आ सकते क्योंकि अगर हम क्लीन शेव भी करें तब भी आप बड़े होंगे। बहुत छोटा सा, हाँ अभी अनन्य से फीडर पीते हैं। जल्दी बताएं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बच्चे सुनना चाह रहे हैं, लारे बताएं हम कैसे आए। बच्चों के लिए हमने जो है पोस्टर्स बनाए हुए हैं और सोशल मीडिया पे वो है बोल के चैनल पे, तो आप लोग ऑडिशंस के लिए अपने वीडियो व्हाट्सएप कर सकते हैं, एक गिवन नंबर है और स्पेसिफिक नंबर पे कर सकते हैं, इन बोल के चैनल पे आप डीएम कर सकते हैं। तो ये है कि यू कैन अप्लाई, अभी भी कुछ पोजीशंस बाकी हैं, बच्चे रहें रेडी, भैया आपके आ रहे हैं। ओके गोस्ट भाई, होस्ट भाई थैंक यू सो मच। आपको देना चाहता हूँ ये कि माशाल्लाह एक मरतबा फिर अल्लाह पाक ने हमारे उमर भाई को औलाद से नवाजा है और एक बहुत बड़ी अल्लाह पाक की नेमत है, एक बहुत बड़ी रहमत है हमारे उमर भाई के लिए। उमर भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस और माशाल्लाह आपने अभी तक नाम रखा है नहीं रखा? क्या नाम रखा है? मैंने अपने बेटे का नाम रखा है हमज़ा।
हमजा माशाल्लाह जो इनका लाइक एक और अल्लाह पाक ने इनको औलाद अदा फरमाई है, जो उमर भाई का बेटा हुआ है उसका नाम इन्होंने रखा है हमजा। टोटल कितने आपके बच्चे हो गए उमर भाई? मेरे माशाल्लाह दो बेटे हैं, पहला बेटा है अब्दुल्ला मुगल, दूसरा है हमजा मुगल। लगता ही नहीं लड़का यार, तुम तो लगते ही नहीं हो माशाल्लाह माशाल्लाह कि यू आर मैरिड यार। नहीं, इंसान को अपने ऊपर होना चाहिए। मेरे को चलने का ज़्यादा शौक है, मैं रनिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, भले बाइक भी है, बहुत से लोग होते हैं ना बाइक है तो यहाँ से यहाँ पे जाने में बाइक पे जाते हैं। 10-12 बच्चे हैं जिनके 10-12 बच्चे हैं, उनको चाहिए कि वो लाइक रनिंग वगैरह करते रहें। रनिंग बहुत काम आती है, आप बूढ़े नहीं होंगे बहुत जल्द। मेरा एज है मगर फिर भी आप रनिंग रहे, आपका स्टेमिना अच्छा रहेगा। पर मौजूद थे वन बाय वन करके हमने उनसे बात कर ली, उनकी आपसे मुलाकात करवा दी है जनाब, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जल्द अज जल्द इस शो में आएंगे और जनाब इस शो का हिस्सा बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वाली वीडियो आज का लाइक गेम शो ऐसे चलेगा, सीज़न 7 का पहला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कॉमेंट करें और बोल नेटवर्क के चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।